अगली खबर में हम बात करते हैं ग्वालियर की, जहां एक युवती के साथ उसका ही पड़ोसी शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब युवती ने प्रेमी युवक पर शादी का दबाव बनाया तो वह शादी करने से साफ मुकर गया। युवती की पड़ोसी से पहले दोस्ती हुई थी, फिर दोस्ती प्यार और आखिर में दुष्कर्म में बदल गई। इसी बीच युवती को पता चला कि उसका प्रेमी किसी और युवती से शादी करने वाला है, तो वह थाने जा पहुंची और इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर के बहोड़ापुर भंडारे वाली गली में रहने वाली 22 वर्षीय आलिशा का पिछले 4 साल से पड़ोस में ही रहने वाले युवक आदिल खान से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आदिल शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करता रहा। जब समय ज्यादा बीत गया तो युवती ने युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आदिल खान ने युवती से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि आदिल खान किसी अन्य युवती के साथ शादी की तैयारी करने लगा था। जब इसका पता युवती को लगा तो वह थाने जा पहुंची और मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाने की उप निरीक्षक पायल शर्मा ने बताया कि एक युवती के साथ उसका प्रेमी शादी का झांसा देकर 4 साल से दुष्कर्म करता आ रहा था। युवती ने जब प्रेमी युवक पर शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और वहीं आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।